उस वार्ता में आशा भी रहेगी। नहीं, सरकार का बयान आए कि 1500 है तो उसका सरकार के अथराज कोई पर्सन बोलेगा ना। अभी तक कोई सरकार के अथराज बोल दी कि कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई स्वास्थ्य मंत्री का बयान या मुख्यमंत्री का बयान या हुआ तो कैबिनेट का फैसला दिखा दे। तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। अगर आप सभी आशा वर्कर को ये पता चले कि हड़ताल अभी तक टूटा नहीं है, हड़ताल अभी भी जारी है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने सही सुना, आशा वर्करों का हड़ताल अभी भी जारी है। पहले जो हड़ताल चल रहा था, जो टूट चुका है हड़ताल, उसका नेतृत्व शशि यादव कर रही थी, लेकिन अभी जो हड़ताल जारी है उसका नेतृत्व एक नया नाम कर रहा है। यहां मैं नया नाम क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारी आशा वर्कर उनका नाम जानती होगी, उनको जानते होंगे, लेकिन जो आशा वर्कर नहीं जानती उनके लिए मैं बोल रहा हूं। जी हाँ, एक नया नाम फिर से सामने आया है, कौशलेंद्र कुमार शर्मा, जो कि कुछ बातें बोल रहे हैं आशा के हड़ताल को लेकर के तेजस्वी यादव के 2500 रुपए मानदेय को स्वीकार करने के बदले में। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या है ये सरकार के जो हम पढ़ रहे हैं, जो सरकार का केंद्र या राज्य का, कि जब कुछ तय होता है, जब तक कैबिनेट से और उसके बाद सरकार से जो होता है तब सेक्रेटरी को जारी करता है। लेकिन इस तरह से अभी आपके द्वारा पूछना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री से कि आप 1500 जब कर दिए तो आप निर्णय कहाँ लिए, जब निर्णय ना लिए तो बाहर में बयान कहाँ से गया? यानी बिहार सरकार का गोपनीय भंग हुई है। सबसे पहले सरकार की गोपनीयता का सवाल उठता है। आप चीजों को लेकर बैठक आज जो हो रहा है, हमारा उनसे था कि लिखित वार्ता हो, सरकार का अभी 1500 बोल दिया गया, कहीं लिखित नहीं है, न सरकार का स्टेटमेंट है। यह सवाल हम नहीं, लोग पूछ रहा है और आशा और जिनकी उनके ग्रुप के लोग, जब मालूम चला कि 1500 को तोड़ लिया मौखिक पर, तो सबसे पहले आशा के प्रतिनिधि को बुलाना, मीटिंग करना चाहता हूँ उनको अपने संगठन का, और मीटिंग करके आशा से राय लेके तब उनको तोड़ना चाहता या सरकार से बात करना चाहता। हमको भी 5 बजे आज बुलावा आया स्वास्थ्य मंत्री से, तो हमने अपने आशा से बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कितना मानना चाहिए, क्योंकि संगठन मेरा नहीं आशा का है, तो जिसका संगठन है उससे कोऑर्डिनेशन बना के हम जाएंगे, और फिर वहाँ क्या हुआ उस वार्ता में आशा भी रहेगी। हमें क्या हुआ उस वार्ता का फोटो जब देखिएगा तो आशा एक फैसिलिटेटर है सुधा सुमन, उसके अलावा टोटल के टोटल उसमें दूसरी कोई हैं जो आशा नहीं है। और यहाँ जो बातचीत हम पहले भी किए हैं तो हमने 3-4-5 जाते हैं तो 4 आशा होती है, एक विधायक होते हैं, एक हम होते हैं, तो प्रतिनिधि जिसकी है उसका होना चाहिए। हम तो एक सहयोग के लिए या ट्रेड यूनियन एक्सपर्ट है, नीतिगत मामला जब आएगा पत्रकारी का तो उसमें हम लोग डिबेट करेंगे, इसके लिए जाते हैं। आज सबसे पहले आपके माध्यम से ये जो हड़ताल टलवाया गया ये छल हुआ है आशा के साथ। लिखित में जो आप मांग कर रहे हो उसमें क्या क्या लिखित पड़ते हैं? पहला लिखित पड़ता है उसी के जगह जो सरकार वेतन तय करे। अभी हमको नहीं कह सकते हैं कि 1500 है, क्योंकि तो सरकार का नियमावली जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगा। लिखित में आप मांग कर रहे हैं? नहीं, सरकार का बयान आए कि 1500 है तो उसका सरकार का अथराज कोई पर्सन बोलेगा ना। अभी तक कोई सरकार के अथराज बोल दी कि कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई स्वास्थ्य मंत्री का बयान या मुख्यमंत्री का बयान या हुआ तो कैबिनेट का फैसला दिखा दे, और कैबिनेट का अगर नहीं हुआ तो बाहर लिखित कैसे हो गया? मांग है नहीं, चलो हम अभी बोले हैं क्या पर बता रहे पड़ते उसी की जगह 25,000 का वेतन, बकाया पैसा का भुगतान, 20 लाख का बीमा, और आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर को सरकारी विभाग में नौकरी, क्योंकि 1500 से कम तीनों को होना चाहिए। और महत्वपूर्ण चीज़ है पड़ोसी की जगह वेतन, अभी राजस्थान के अंदर में जो हुआ है वहाँ 6,000 हुआ है, केरला में अभी 8,000 और मध्य प्रदेश में हुआ है, और यहाँ सामाजिक न्याय की सरकार है और ये आशा सामाजिक न्याय के प्रतीक है, तो अगर उनके अनुसार मानवीय लिया जाए 1500 तो इतनी कम बिहार में क्यों? बीजेपी की सरकार वहाँ है, वहाँ 6500 है, बता रहे पहले। इसलिए हमने आपसे मेरा निवेदन है और आम आशा से भी मेरा निवेदन है कि मेरा हड़ताल जारी है, जारी रहेगा, और आज के तमाम आशा हड़ताल के साथ है। हड़ताल हम नहीं तोड़े हैं, दूसरे लोग तोड़े हैं, इसलिए बिहार आशा संघ, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ,
बिहार आसवान वेक्सिन कुरियर संघ के महासचिव कौशन कुमार। तो जो जो बातें इन्होंने कही है, तो इनकी सभी बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि शायद आप लोग के माइंड में भी इस तरह का सवाल चल रहा होगा, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें बोली है ना, वो सारी की सारी बातें 100% करेक्ट है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए मानदेय तय कर दिया है, तो अभी तक उनके पार्टी के एक भी आदमी ने मीडिया के सामने में, कैमरे के सामने में कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा क्यों? खबर की माने तो, लोगों की माने तो, ये सरकार कभी भी पलट जाती है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। तो यहां बहुत सारे आशा वर्कर को अभी भी डर है कि लिखित नहीं मिला है, लेकिन शशि यादव ने वादा किया है कि आप सभी लोगों को 15 अगस्त या फिर उसके बाद लिखित लेटर मिल जाएगा मानदेय का। अगर ऐसा हुआ तो सभी आशा वर्कर के खुशी की बात है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शशि यादव जी मैं आपसे यही कहूंगा कि ये आशा वर्कर चुप बैठने वाली नहीं है। मानता हूं कि हर एक चीज आपके अंडर में हुआ है, लेकिन पता है कि अगर जनता चाहे तो सरकार को उखाड़ के फेंकती है, और ये आशा वर्कर चाहे तो आपको भी उस पद से हटा सकती है, आपके जगह पे किसी और को लेके आ सकती है, जैसे ये हैं कौशलेंद्र कुमार शर्मा। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शशि यादव गलत है, मैं ये भी नहीं कहूंगा ये कौशलेंद्र कुमार शर्मा गलत है या सही है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने जितनी भी बातें कही है मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि ना तो लिखित कोई लेटर मिला है, ना तो पार्टी का कोई भी आदमी कुछ भी बोला है। और हिंदुस्तान पेपर में कुछ लिखा हुआ था, उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, तो उस पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग के सवालों के हिसाब से जो कि आप लोग के मन में चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, सभी आशा वर्करों से ये कहूंगा कि ज्यादा खुश मत होइए, कौशलेंद्र कुमार शर्मा के हिसाब से ज्यादा मत खुश होइए, क्योंकि आप लोग के लिए टेंशन की बात है। हाँ, अगर शशि यादव की बातों को आप लोग मानते हैं तो उनके हिसाब से खुश हो जाइए और इंतजार कीजिए, और उस भगवान अल्लाह से दुआ और प्रार्थना कीजिए कि आप लोग को लेटर मिल जाए मानदेय का, क्योंकि अभी तक उनके पार्टी के, मतलब जो तेजस्वी यादव है या नीतीश कुमार है, उनके पार्टी के एक भी आदमी ने मीडिया के सामने में आशा के इस मानदेय को लेकर के एक भी बयान नहीं दिया है। मैंने तो अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है। अगर आप लोग को मिले तो मुझे जरूर भेजना, या फिर व्हाट्सएप जरूर शेयर करना, या फिर कमेंट में उस वीडियो का लिंक जरूर भेज देना। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव या शशि यादव मिलकर के आशा वर्करों के साथ गलत किया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर कुछ भी आता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।